फलवशा साहबा, एक तो ये कि चाहे पीपल्स पार्टी का दौर आओ चाहे नून लीग कराओ, 12 कोशिशें भारत के लिए की जाती हैं कि ताल्लुकात कुछ हमवार हों। आपके ख्याल में ये जो बॉर्डर खोलने की बात की है पाकिस्तान ने, अब मोदी गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स आपको क्या लगता है, कुछ बेहतर आ सकता है या अगले इलेक्शन तक जो भारत में होने हैं उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई पुरम किस्म का मैसेज वहां से भी आएगा? उनको आर्मी चीफ ने कहा था कि करतार सिंह का बॉर्डर खोल दिया जाएगा और ये मेरे ख्याल में उसी सिलसिले की कड़ी है। अब दरअसल बात ये है कि अगर आज हम इसको हमारी तो क्यादत ने वेलकम किया है और अच्छा एग्जाम भी है, लेकिन आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंडियन आर्मी चीफ की एक और तड़ी छापी है कि हम अगर पाकिस्तान अपना टेरर में रोल कम नहीं करता तो हम अपना जो है इकदाम जो है वो बढ़ाएंगे। अब आप ये देखिए कि वो कोई एक तरफ सिर्फ पीस की बात नहीं करते हैं, वो अगर एक तरफ अमन की कोई इकदाम उठता है तो दूसरी तरफ से वो उसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये बात एक हकीकत है कि मोदी ने जाना है इलेक्शंस में और वहाँ इलेक्शंस तमाम तर जो है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो पाकिस्तान बैशिंग और पाकिस्तान की मुखालफत पर होता है। यहाँ वो नहीं होता, एक अच्छी रिवायत है, लेकिन वहाँ ये बिल्कुल हकीकत है, लिहाजा बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं। इसमें बिल्कुल एक वाजिया उस तक जो आर्मी चीफ उनका किरदार था, उन्होंने बिल्कुल वहां कहा और वो हो गया, लेकिन अब ये सियासी क्यादत है कि इसको अगर एक इन्हें ओपनिंग मिली है तो अपना कौमी वकार जो है उसको मलहूस खाते रखते हुए उनके आगे हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं, मगर इसके इसको मलहूस खाते रखते हुए आप किस तरीके से आगे जाते हैं और इस बात की तैयारी भी रखिए कि वहां से जो दूसरा नैरेटिव है जो कि वो साथ लेके चलते हैं, जो कि आज ही उनके आर्मी चीफ से है, वो भी एक हकीकत है। बिल्कुल ठीक।